वसंत के समय जब राजा लोग युद्ध के लिए प्रस्थान किया करते हैं, योआब ने सेना लेकर अम्मोनियों का देश उजाड़ा। इसके बाद उसने रब्बा को घेर लिया। दाऊद यरूशलेम में रह गया। योआब ने रब्बा पर अधिकार कर लिया और उसका विनाश किया। दाऊद ने अम्मोनियों के देवता मिलकोम के सिर का मुकुट ले लिया। उसका वजन 1 मन सोना था और उसमें एक बहुमूल्य रत्न जड़ा था। वह दाऊद के सिर पर पहनाया गया। दाऊद ने उस नगर से लूट का बहुत सा माल प्राप्त किया। वह नगर के निवासियों को ले गया और उनसे आरे, गैती और कुल्हाड़ी से काम करवाया। उसने अम्मोनियों के अन्य सब नगरों के साथ यही किया। इसके बाद दाऊद अपनी सारी सेना के साथ यरूशलेम लौट आया। इसके बाद गेजेर के निकट फिलिस्तियों से युद्ध छिड़ गया। हुशाती सिबकै ने सिप्पै को मार डाला, जो रफाइम का वंशज था। फिलिस्ती अधीन हो गए। जब फिर से फिलिस्तियों से युद्ध छिड़ गया तो याईर के पुत्र एलहानान निगतवासी गोलियत के भाई लहमी को मार डाला। उसके भाले का दंड करगे के डंडे जैसा था। जब गत के पास फिर से लड़ाई छिड़ी तो एक दैत्याकार आदमी सामने आया। उसके हाथों में 6-6 उंगलियां थी और पांवों में 6-6 उंगलियां। इस तरह कुल 24 उंगलियां थी। वह भी रफाइम का वंशज था। जब उसने इसराइलियों को ललकारा तब दाऊद के भाई शिमआ के पुत्र योनातान ने उसका वध कर दिया। ये लोग गत के रफाइम के वंशज थे और ये दाऊद तथा उसके सेवकों के हाथों मारे गए।